दोस्तों आज तारीख 15 जून 2024 दिन शनिवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए पहली बड़ी खबर, योगी सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों को 24 जून तक बढ़ा दिया है और अब 28 जून से विद्यालय आना शुरू कर देंगे बच्चे। भीषण गर्मी को देखते हुए ये ग्रीष्मकालीन अवकाश में बढ़ोतरी की गई है। 28 जून के बाद स्कूलों का समय क्या रहेगा ये भी आप देख सकते हैं। और वैसे गर्मी वगैरह की बात हो ही रही तो सबसे पहले आज के मौसम समाचार जान लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे खबरों में। देखिए आगरा गाजियाबाद में धूल भरी आंधी देखी गई, फिर तेज बारिश भी हुई, कानपुर में पारा 47 डिग्री तक पहुंचा। हालांकि प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया, उसके बावजूद भी अभी भी भीषण गर्मी काफी परेशान कर रही है। देखिए कुछ जिलों के हालात, कानपुर में हीट वेव का रेड अलर्ट, अभी 19 जून तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 3 अज्ञात लोगों के शव भी मिले और लू से मरने की आशंका जताई जा रही है इनकी। गाजीपुर में भी हीट वेव का प्रकोप जारी, जिला प्रशासन ने जनपद वासियों के लिए गाइडलाइन जारी की, लू से बचाव के उपाय अपनाने की अपील भी की। प्रयागराज में भी देखिए दोस्तों तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, हालांकि सुबह से बादल छाए रहने से थोड़ी राहत मिली लेकिन दोपहर तक तेज धूप से गर्मी और बढ़ गई। सहारनपुर में भी 45 डिग्री पारा चल रहा, 20 जून के बाद बारिश की संभावना है। हालांकि राजधानी लखनऊ में मौसम थोड़ा बदला, बादल छाए, 7 साल बाद जून का सबसे गर्म दिन रहा लखनऊ में कल का, 45 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। और यही वजह दोस्तों की इतनी गर्मियों को देखते हुए स्कूलों की छुट्टियों को भी 24 तारीख तक बढ़ा दिया गया है। अभी पूरा उत्तर प्रदेश गर्मी से उबल रहा है, 47 डिग्री तक पहुंच गया कई जिलों का पारा तो। और इस गर्मी में देखिए ताजमहल में भी पर्यटकों को राहत मिलेगी क्योंकि पानी की बोतल साथ में ले जाने की अनुमति मिल सकती है, पत्थर की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव परिणाम में खराब प्रदर्शन के बाद अब बीजेपी में मंथन हुआ, हार की वजह का पता करने के लिए 60 नेताओं की बैठक भी बुलाई सीएम योगी ने। और भाजपा नेतृत्व को 20 जून तक हर सीट का रिपोर्ट कार्ड सौंपना होगा टास्क फोर्स के द्वारा, जिनके जरिए हार की वजहों की पड़ताल की जाएगी। चलिए खबर है, अयोध्या के राम मंदिर पर आतंकी अलर्ट हुआ, जैश ए मोहम्मद ने उड़ाने की धमकी दी, ये मीडिया रिपोर्ट्स आई, उसके बाद प्रशासन ने थोड़ी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी, हालांकि पुलिस अफसर का कहना कि ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है। चलिए अगली खबर देखिए, अलीगढ़ में पतंजलि योग शिविर के नाम पर ठगी हुई, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दर्ज कराया मुकदमा, बोले मेरे साथ गलत हुआ। मिर्जापुर और बांदा के चकबंदी अधिकारी सस्पेंड किए गए, मैनपुरी में 6 कर्मचारियों पर एक्शन लिया, खराब रिजल्ट वाले जिलों की योगी ने मांगी थी रिपोर्ट। अयोध्या में प्री स्टेट शूटिंग में 400 शूटर्स को मेडल मिला, कमिश्नर बोले पराजय के बाद मिली जीत स्थायी होती है क्योंकि इसमें जुनून होता है। बड़ी खबर है, सुपरनोवा कंपनी दिवालिया घोषित हुई, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 168 करोड़ का लोन बकाया है, नोएडा के सेक्टर 94 में ये देश की सबसे ऊंची इमारत बना रही थी लेकिन ये कंपनी अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुकी है। और वहीं देखिए प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात, मिसेज इंडिया का खिताब जीतने वाली डॉक्टर प्रतिभा को सम्मानित किया गया, राजस्थान जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में ये विनर बनी थी, प्रदेश के मशहूर स्त्री रोग विशेषज्ञ भी है ये, यानी ब्यूटी विथ ब्रेन का बेस्ट एग्जाम्पल। और खबर देखिए, लखनऊ के AKTU में फेशियल बायोमेट्रिक से लगेगी अटेंडेंस, एग्जाम की भी लाइव स्ट्रीमिंग होगी, सीसीटीवी से निगरानी भी की जाएगी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, निकायों में कर्मचारियों की भर्ती करे सरकार, लखनऊ नगर निगम कर्मचारी संघ ने रिक्त पदों पर नियमित भर्ती की मांग भी उठाई योगी सरकार से। खबर है, मथुरा में एक मंदिर परिसर की दीवार गिरने से 10 लोग घायल हो गए, आंधी आने की वजह से यह हादसा हुआ, मंदिर प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। आगरा में 5000 लोग करेंगे एक साथ योगा, एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा यह कार्यक्रम, 15 जून से योग सप्ताह की शुरुआत भी हो जाएगी। भारत के पहले अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसेट को भी बड़ी सफलता मिली है, IIT कानपुर और अशोका विश्वविद्यालय ने न्यूट्रॉन तारों की नई जानकारी भी हासिल की। और वहीं देखिए कानपुर में CSJMU में अब समर्थ पोर्टल से होगा एडमिशन, यूनिवर्सिटी की साइट से रजिस्ट्रेशन होगा, नए सत्र से ये नई व्यवस्था लागू होगी। खबर है, कानपुर में आवासीय योजनाओं में मिलेंगे 150 प्लाट, KDA यानी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया, गंगा पर बनेगा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट भी, सिग्नेचर सिटी में फ्लैट के रेट 7-8% तक बढ़े हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले कि अब हमें कुछ बड़ा करना होगा, यूपी में गांव-गांव पहुंचेगा RSS, बीजेपी से नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मोहन भागवत मुलाकात करेंगे। और मोहन भागवत से मिलने गोरखपुर आएंगे सीएम योगी, RSS चीफ बोले कि समाज में बेहतर छवि बनाए स्वयं सेवक, 5 दिन के दौरे पर आए अभी संघ प्रमुख। चलिए खबर देखिए, लखनऊ में माध्यमिक शिक्षक संघ का चिंतन शिविर 22 तारीख को होगा, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और समान कार्य समान वेतन पर देंगे जोर। वाराणसी में देखिए किसानों की क्या मांग है, सरकार जमीन ले लेगी तो हम भूख से मर जाएंगे। वाराणसी में किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री 50,000 नहीं बल्कि सिर्फ 50 प्रभावित किसानों से बात करें तो उन्हें रियलिटी असलियत का पता चल जाएगा। वैसे आपको बताऊंगा 18 जून को वाराणसी आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और PM मोदी के काशी आगमन की तैयारियों का जायजा लेने CM योगी भी पहुंचे काशी में, सुरक्षा को लेकर हालचाल भी जाना। और वाराणसी पहुंचे CM योगी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना की, काशी कोतवाल के भी दर्शन किए, ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, 1 जुलाई से बदले टाइम से चलेगी ट्रेनें, मुरादाबाद से गुजरने वाली 20 ट्रेनों का भी समय बदलेगा, रेलवे ने पूरी तैयारी
तैयारियां भी कर ली हैं। और वैसे पूरे उत्तर प्रदेश के कई जिलों समेत पूरे देश में 1 जुलाई से ट्रेनों के शेड्यूल में काफी बदलाव होगा, तो आप भी रेल यात्रा करते समय सावधानी से देख कर निकले ना। चलिए खबर है, लखनऊ में 137 मकान और दुकानों पर भी चला बुलडोजर, एलडीए की तरफ से ये एक्शन लिया गया, डिटेल आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, लोकसभा चुनाव में ठीक से ड्यूटी नहीं करने वाले कर्मचारियों को अब नापा जाएगा, योगी सरकार ने अफसरों पर बड़ी कार्यवाही करने की तैयारी भी कर ली है। महिलाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है, महिलाओं को रोजगार देने की तैयारी में है सीएम योगी, पूरा रोडमैप बनकर तैयार हो चुका है, कई सारी कंपनियां भी इसमें सहयोग करेगी जैसे विप्रो, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, आईआईटी कानपुर वगैरह, इनके साथ मिलकर योगी सरकार प्रदेश में महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की प्लानिंग कर रहे हैं और इस काम में टोटल 17 कंपनियां आगे आएगी, और भी ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इस बारे में। चलिए खबर है, नोएडा में नदी किनारे बने घरों और फार्म हाउस को तोड़ेगी योगी सरकार, हजारों लोग परेशान हो रहे इस आदेश के बाद, ये देख सकते हैं सीएम योगी द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से क्या लिखा गया है। और सीएम ने एक और निर्देश दिया कि आम आदमी का फोन रिसीव करें अधिकारी, विवादित स्थलों पर बकरीद वगैरह की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। बड़ी अच्छी खबर है, यूपी के सभी नगरों में बनाए जाएंगे इनर रिंग रोड, सीएम योगी ने दिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी। और वहीं देखिए, यूपी के 4 जिलों के लिए वरदान बनेगी केन बेतवा लिंक परियोजना, 5,121 करोड़ रुपए की लागत लगाएगी योगी सरकार, और इस योजना का फायदा बांदा, महोबा, झांसी व ललितपुर के लोगों को मिलेगा। मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश को मिलाकर ये योजना बनाई जा रही है और इससे किसानों को 2.5 लाख से भी ज्यादा हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। चलिए खबर है, योगी सरकार ने छोटी गंडक नदी को किया पुनर्जीवित, गोरखपुर देवरिया के 33 गाँव की आबादी लाभान्वित हुई। वहीं देखिए, बसपा के पूर्व एमएलसी मोहम्मद इकबाल की 4,440 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, अवैध खनन के मामले में ईडी ने कसा ऐसी गंजा। और खबर है, उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में भी हेलीकॉप्टर यात्रा शुरू होने जा रही है, 1 जुलाई से 2 शहरों के बीच उड़ान का शुभारंभ भी होगा, अब मथुरा से आगरा के बीच आप हवाई सफर हेलीकॉप्टर के जरिए कर पाएंगे है ना। और वहीं देखिए, राजस्व संबंधित मामलों के निपटारे में लापरवाही पर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया, लापरवाह अफसरों की रिपोर्ट भी तलब की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर बारीकी से नजर रखें, भ्रामक खबरों पर भी शक्ति बरतें, आने वाले त्योहारों को देखते हुए भी सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए। वहीं देखिए, चकबंदी अफसरों पर कार्यवाही के बाद अब महाराजगंज के समाज कल्याण अधिकारी की सेवा समाप्त हुई, एक्शन में आए सीएम योगी। बकरीद को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि न कोई नई परंपरा शुरू हो, न ही सड़क पर नमाज पढ़ी जाए, सभी अपने अपने धार्मिक त्योहारों को अपने अपने सौहार्द के साथ मनाएं। चलिए अगला अपडेट देखिए, अब आपको ट्रू कॉलर जैसे एप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, 15 जुलाई से नंबर के साथ अपने आप दिखेगी कॉलर आईडी भी। टेलीकॉम विभाग की तरफ से क्या निर्देश जारी किया गया देख सकते हैं आप डिटेल भी। और वहीं खबर आ रही कि केंद्रीय कैबिनेट बैठक में जल्द ही रखी जाएगी एक देश एक चुनाव की रिपोर्ट, कानून मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में शामिल है ये मामला भी। एक अच्छी खबर है, जुलाई में घट सकते हैं अरहर, चना और उड़द दालों के दाम, अच्छे मानसून और आयात बढ़ने का लाभ मिलेगा। वहीं देखिए, पीएफ खाता वालों के लिए एक नया नियम, पीएफ खाते से अब आप एडवांस नहीं ले पाएंगे, जो कोविड-19 के समय ईपीएफओ की तरफ से सुविधा शुरू की गई थी ना, मार्च 2020 से ये सुविधा शुरू थी, जिसके तहत आप 3 महीने की सैलरी का 75% निकाल सकते थे एडवांस में, लेकिन अब ईपीएफओ का कहना कि इस सुविधा को बंद कर दिया गया है। ईपीएफओ ने सर्कुलर में कहा कि चूंकि अब कोविड-19 महामारी है ही नहीं, इसलिए एडवांस देने की सुविधा को तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया है, और ये आदेश एग्जेम्प्टेड ट्रस्टों समेत सभी कंपनियों पर भी लागू होगा। चलिए बीमा पॉलिसी पर भी अच्छी खबर आ रही है, प्री मेच्योर पॉलिसी बंद करने पर अब आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, 1 साल में सरेंडर करने पर भी सरेंडर वैल्यू मिल जाएगी। इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा की तरफ से ये बीमा पॉलिसी के नियम में बदलाव किया गया है, और अब आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको कितनी सरेंडर वैल्यू मिलेगी, इसका कुछ कैलकुलेशन भी। जबकि पहले वाले नियम में तो ये था कि 2 साल में भी अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो ना, तब भी आपको अपनी प्रीमियम का 30% अमाउंट ही मिलता था, मतलब बीच में आप बीमा पॉलिसी बंद करा देते हो तो। लेकिन अब इसमें नया नियम लागू कर दिया, जिसकी डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, बोर्ड एग्जाम के दौरान सैनिटरी पैड और रेस्ट रूम जरूरी है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से देश भर के सभी स्कूलों को ये एडवाइजरी जारी की गई और कहा कि पीरियड्स के समय लड़कियों को एग्जाम पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, और इसीलिए लड़कियों को ये नई सुविधा देश भर के सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मिलनी चाहिए। ये देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से क्या नोटिस जारी किया गया। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और डेली के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए कुछ और नेशनल न्यूज अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि लगभग आधा इंडिया फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो चुका है, इस रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए जरा पूरा मामला क्या है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा हाल ही में आंकड़े जारी किए गए, जिसमें बताया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में हमारे देश में धोखाधड़ी के मामलों में 166% की बढ़ोतरी हुई, और इस दरमियान सिर्फ एक साल में 36,000 से भी ज्यादा साइबर फ्रॉड के मामले सामने आए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि साइबर फ्रॉड कितना ज्यादा बढ़ गया, लगभग आधा इंडिया इस फाइनेंशियल फ्रॉड का शिकार हो चुका है, क्योंकि ये जो 36,000 लोगों की धोखाधड़ी की ना, इसकी धनराशि कितनी देखे जरा, 13,930 करोड़ रुपए की ठगी की लोगों के साथ। तो ये वाकई में हैरान करने वाली रिपोर्ट है, आप भी सावधानी बरतें दोस्तों, अपना ओटीपी, पर्सनल डिटेल, मोबाइल नंबर वगैरह किसी को ना दें।
है ना। चलिए स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, देश में जल्द ही खुलेगा राष्ट्रीय ई पुस्तकालय। नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ा समझौता करार किया गया है। देश में शिक्षा को डिजिटल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम चल रहा है और इसी कड़ी में एक राष्ट्रीय ई पुस्तकालय का विकास करना भी शामिल है और अब इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट ने फ्रेमवर्क बनाने का काम भी शुरू कर दिया। तो जल्द ही आपको एक ह्यूज ई लाइब्रेरी देखने को मिलेगी जहाँ 100 भाषाओं में 10,000 से भी ज्यादा किताबें मौजूद होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर दर्शन के लिए यात्रियों की दैनिक निर्धारित सीमा को समाप्त कर दिया, अब सीधे करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। और बड़ी खबर देखिए, बर्ड फ्लू का नया स्ट्रेन मचा सकता है तबाही, खुद WHO ने कंफर्म किया भारत में इसका दूसरा केस। लेकिन चिंता की बात यह है दोस्तों कि इस बर्ड फ्लू की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। चलिए खबर है, OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना बहाली और 8वें वित्त आयोग का गठन करने की मांग भी की। PM मोदी और DOPT मंत्री के पास अपनी मांग पहुंचाई सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने। चलिए खबर है दोस्तों, भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र बन अब दुश्मनों का काल करेगा ये नागास्त्र। दरअसल नागपुर की कंपनी ने इंडियन आर्मी को एक UAV ड्रोन सौंपा है और इससे हमारी इंडियन आर्मी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी। ये भारतीय सेना को पहला सेल्फ डिस्ट्रॉय ड्रोन मिला है। 30 किलोमीटर इसकी रेंज है, 2 किलो विस्फोटक लेकर उड़ सकता है और इसे पाकिस्तान चीन सीमा बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा भारत की सीमाओं को और ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए। और वही खबर है, अगले सप्ताह भारत आ रही है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, PM मोदी के साथ कई अहम समझौतों पर लगेगी मुहर। वैसे आपको पता होगा अभी आजकल PM मोदी इटली दौरे पर गए हुए हैं, इटली में PM मोदी का जोर शोर से स्वागत हुआ। ये देखिए जरा कुछ तस्वीरें, G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे PM मोदी इटली। वहां की PM जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया और जॉर्जिया ने हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया, अभिवादन किया दोनों ने एक दूसरे का। वहाँ पोप फ्रांसिस ने भी PM मोदी को गले लगाया, उनका हालचाल जाना। दुनिया भर के कई नेताओं से मुलाकात की PM मोदी ने। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद PM मोदी दूसरी बार जेलेंस्की से भी मिले और मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से भी उन्होंने मुलाकात की। ऋषि सुनक से बातचीत करते दौरान इंडिया UK पार्टनरशिप को लेकर भी बातचीत हुई। जेलेंस्की से मुलाकात के दौरान PM ने कहा कि हमें तकनीक को रचनात्मक बनाना होगा न कि विनाश। PM ने दुनिया भर को भी एक संदेश दिया, AI फॉर ऑल का नारा दिया और PM बोले कि G7 के साथ हमारी बातचीत, संवाद और सहयोग जारी रहेगा। वर्ल्ड लीडर्स के द्विपक्षीय मीटिंग में प्रधानमंत्री ने काफी अहम बातें कही। वैसे दोस्तों PM के रिपोर्ट कार्ड को अगर देखें तो मोदी सबसे ज्यादा चीन जाने वाले PM भी बन चुके हैं। पिछले 10 सालों में 66 देश गए अलग अलग, अचानक पाकिस्तान भी पहुंचे थे और इस बार रूस विरोधी G7 से प्रधानमंत्री अपने विदेश दौरे का शुरुआत कर रहे हैं। बाकी 10 सालों में सबसे ज्यादा अमेरिका में गए हैं। चलिए खबर है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिस पर आप तीनों नए आपराधिक कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी देख पाएंगे। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 4 दशक में यानी 40 सालों में भारत में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की जान गई सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से। दुनिया भर में आंकड़ों पर नजर डालें तो 13.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। और वहीं देखिए एक बड़ी खबर, 11 देशों में बड़ा पोलियो, तो अब भारत सरकार ने उन देशों के नागरिकों के भारत में प्रवेश पर रोक लगा दी है। सरकार ने नियमों में भी संशोधन किया ताकि पोलियो भारत में ना फैले। थोक महंगाई दर पर आंकड़ा आ रहा दोस्तों, पिछले 15 महीनों के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंची। बीते महीने मई में 2.61% पर पहुंच चुकी है महंगाई दर, जबकि फरवरी 2023 में ये 3.85% पर ही थी। और महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा आम आदमी को, देखिए अमूल डेयरी के बाद अब पराग ने भी अपने दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। प्रति लीटर अब आपको 2 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। और भी नई रेट लिस्ट आप देख सकते हैं। और मई में व्यापार घाटा भी बढ़कर 1.98 लाख करोड़ का रहा। चलिए खबर है, GST परिषद की बैठक 22 तारीख को होगी, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स की समीक्षा भी हो सकती है इस बैठक में। वहीं देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के हालातों पर 16 जून को हाई लेवल मीटिंग करने का फैसला किया है। और दोस्तों कुवैत के अग्निकांड में जो हमारे 45 भारतीय मारे गए थे उन सभी के शवों को भारत लाया गया है। कोच्ची हवाई अड्डे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी, कुवैत से 45 भारतीयों के पार्थिव शरीर जब केरल एयरपोर्ट पर आए तो केरल के मुख्यमंत्री विजयन ने एयरपोर्ट पर ही उन्हें श्रद्धांजलि दी। मृतकों में 23 लोग केरल के हैं, 3 उत्तर प्रदेश के हैं और बाकी दूसरे अलग राज्यों के हैं। और खबर देखिए, नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने NTA को एक और नोटिस जारी किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्टूडेंट और पेरेंट्स से भी मुलाकात की, बोले कि कोर्ट जो भी कहेगा हम करेंगे। उन्होंने ये भी आश्वासन दिलाया छात्रों को कि सभी चिंताओं का समाधान होगा, निष्पक्षता से टेंशन ना लें। वैसे नीट परीक्षा में एक हैरान करने वाला खुलासा ये सामने आ रहा है। इस केस में एक आरोपी ने कबूलनामा किया और कहा कि हमें हूबहू पेपर मिला था। बिहार में 19 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया इस मामले पर। अभी भी केंद्र सरकार ये कह रही है कि पेपर लीक के कोई सबूत नहीं है, जरा देखिए। और अब नीट मामले में CBI जांच की भी मांग पर 8 जुलाई को अगले महीने सुनवाई होगी। री एग्जाम और काउंसलिंग रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की। ओके, और अंत में आपको आज के दिन के अपडेट के बारे में बता दूं, आज ग्लोबल वाइन डे के रूप में मनाया जाता है 15 जून को, हर साल वैश्विक पवन दिवस के रूप में, है ना, पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।